नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है। मैं कभी भी गलत जानकारी देने का प्रयास इस चैनल पर नहीं करता हूं। दोस्तों, यहां पर टीजीटी 2016 से संबंधित जानकारी सबसे पहले देना चाहूँगा आप लोगों को कि सामाजिक विज्ञान व कला के जो चयनित थे उन लोगों को कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी विद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। और वहीं बात करें पीजीटी 2016 के नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के सब्जेक्ट की के चयनित अभ्यर्थियों की, तो बहुत दिनों से विद्यालय आवंटन की मांग कर रहे थे और आंदोलन भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी कॉलेज का आवंटन कर दिया गया है। 2016 वालों ने देखिए 2021 में अप्लाई किया था, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अभी कॉलेज आवंटन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कम मेरिट जाने की भी संभावना दिखाई देती है। यानी टीजीटी 2016 वाले अगर ये सीट छोड़ेंगे तो सामाजिक विज्ञान व कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाने की उम्मीद दिखाई देती है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 के रिजल्ट की, तो तदर्थ शिक्षकों के संबंध में एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि तदर्थ पद नहीं जुड़े हैं दोस्तों, और अभी तक तदर्थ पद नहीं जुड़े हैं और कब तक जुड़ेंगे पता नहीं, क्योंकि अभी तक केवल लगभग 10 पद जोड़े गए हैं, जिसमें पीजीटी के 2 पद जुड़े हैं और टीजीटी के लगभग 8 पद जोड़े गए हैं, मतलब कुल मिलाकर 10 पद जोड़े गए हैं, जबकि लगभग संख्या जो निकल के सामने आ रही थी वो 1300 से 1400 के आसपास संख्या निकल कर सामने आई थी तदर्थ शिक्षकों की। तो जानकारी मांगी गई थी तदर्थ शिक्षकों से और उन्होंने कहीं ना कहीं गलत जानकारी प्रोवाइड कराई है मेरे ख्याल से, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके पद नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सैड न्यूज़ है, पर निराश मत होइए क्योंकि अभी बहुत सारी भर्ती आ रही हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जानकारी मिलती रहे, रिजल्ट से संबंधित रिजल्ट भी आपका 1 या 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स।